यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई के द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए दिए जा रहे सांकेतिक भूख हड़ताल के चौथे दिन धर्मशाला में डीसी कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे छात्रों के समर्थन में पूर्व मंत्री जीएस बाली पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिए कि अगर सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मानती है तो इस आंदोलन को सड़कों पर लेकर जाया जाएगा। छात्रों की जान के साथ सरकार को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बाली ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 50% छात्रों को ही वैक्सीनेशन नहीं लगी है। ऐसे में सरकार छात्रों की परीक्षाएं लेने की बात कर रही है, जो छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अगर सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो सरकार ऑनलाइन परीक्षाएं भी ले सकती थी। बाली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कोरोना में कितने लोगों की जान गई, लेकिन आज तक सरकार ने किसी भी परिजन की सुध नहीं ली है। बाली ने कहा कि कोरोना की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और कई बेरोजगार होने की कगार पर हैं, लेकिन सरकार ना तो बेरोजगारी पर लगाम लगा पा रही है और ना ही महंगाई पर। उन्होंने कहा कि आज आलम यह है कि आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, दाल, सरसों का तेल से लेकर हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा रही है और ना ही अपने अधिकारियों पर भी लगाम लगा पा रही है। देखिए, जनता को वो मान ही नहीं रहे, जनता को वो मान ही नहीं रहे हैं, जनता को ठगते हैं समय समय पर। जब आप जनता को मान नहीं रहे, जनता के सुख दुख के भागीदार नहीं बन रहे, आप उनको सड़कों पे आने पे मजबूर कर दिया, लोगों को ऑक्सीजन के बिना मरने पे मजबूर कर दिया, तो अब जनता की बारी आएगी 22 में। फिर चिंतन करें या चिंता करें, दोनों चीज़ें करें, फिर इस चीज़ की भी चिंता होगी कि सरकार जल्दी जाएगी। आप थोड़ा सा लेट आए, उससे पहले ये भी विषय उठाया था, इनके अपने संगठन जो हैं ABP वगैरह अपने मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं, अपने मंत्रियों का चीफ मिनिस्टर के पास एजिटेट कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा अभी कि वो अपने आप ही भ्रष्टाचार के वो लगा रहे हैं, बहुत सारी नियुक्तियाँ ऐसी हुई हैं जो कि CBI को जांच करना चाहिए, जिसकी जांच की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी सारी जांच CBI को करना चाहिए। मापदंडों से हट करके कहाँ पर नियुक्तियाँ हुई, किसने की, किसके कहने से की, उनको दंडित करना चाहिए। नहीं है तो पार्टी फिर कोर्ट में जाएगी। हम भी थोड़ा टाइम देखेंगे, उसके बाद हम भी सड़कों पे होंगे। ये बिल्कुल सरकार को मनमानी नहीं करने दें। उनको हमने 3.5 वर्ष दे दिए, 3.5 वर्ष में HRTC बंद, कोई नई नियुक्तियाँ नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, इनडिसिप्लिन चरम सीमा पर, बड़े बड़े अधिकारी एक दूसरे को चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में धक्के मार रहे हैं। आपके पास 200 रुपये किलो सरसों का तेल, 150 रुपये किलो दालें, 100-100 रुपये में डीजल पेट्रोल, कहाँ चलेगी सरकार? नौजवान भी हताश हैं, बेरोजगार भी हताश हैं, स्टूडेंट भी हताश हैं, बुजुर्ग भी हताश हैं, ये सारी बातें। HRTC बसें बंद हैं लेकिन अभी, और वो फैसला जो है वो बच्चों के हित में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? एग्ज़ाम देंगे तो उनके रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे तो इस वक्त अपने बहुत सारे बच्चे इसके सरकार को पूरा स्टडी कराना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने तो मजदूरी शुरू कर दी है, जो स्टूडेंट है उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये कौन सी दिशा में सरकार चल रही है हमें इसका पता नहीं लग रहा है। और ये कई सालों से जब से आए हैं, 3.5 साल से किसी को रोज़गार नहीं दिया, कोई ठीक पॉलिसी नहीं बनाई, बच्चों के हित में कोई पॉलिसी नहीं बनाई, यूथ के हित में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देख लो, इनके अपने जो संगठन है वो इनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, इनके मंत्रियों का घेराव करते हैं, और नियुक्तियां जो है वो सारे कानूनों को पीछे रख करके की जा रही हैं। जो लोग जिस सब्जेक्ट के हैं ही नहीं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। ये कैसे चलेगा काम? ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम इन बच्चों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इनकी डिमांड्स के साथ है। हम लोग ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो शक्ति प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि कोरोना है, कोरोना का हम नियमों का पालन करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ जो है हम इकट्ठी नहीं करना चाहते। मगर सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट चला हुआ है उसके ऊपर सरकार को तुरंत गौर करना चाहिए।